आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिसे एआई बोला जाता है, उसका एक बेहतरीन जो उपयोग आजकल चैट जीपीटी के रूप में जो लोग कर रहे हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये आता है कि चैट जीपीटी की सर्विस आप कैसे स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं देखो इसको पहले बने हुए अकाउंट से लॉग आउट कर रहा हूँ। लॉग आउट करते ही आप बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो अब देखो यहाँ आप कहोगे सर ये जो लिंक है ये हमें कहाँ से मिलेगा? आप सीधे सीधे तरीके से गूगल पे जाओ और यहाँ गूगल लिखो, ठीक है? मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। गूगल लिखने के बाद यहाँ चैट जीपीटी लिखकर और आपको सर्च करना है। देखा, सर्च किया तो सबसे ऊपर जो पहला लिंक आपके सामने आ रहा है उसके ऊपर आपको क्या करना है? क्लिक करना है, ठीक है? जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज एक होम स्क्रीन के रूप में आ जाएगा। इस होम स्क्रीन पे आपको क्या करना है? लॉगिन करना है, क्योंकि ये लॉगिन मैंने आपसे पहले पूछा कि ईमेल आईडी है या नहीं है, तो आप अपने ईमेल आईडी से इसे लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन जैसे किया तो आपके पास अगली स्क्रीन आएगी और आपको ये कह रहा है कि कंटिन्यू विद गूगल, कि आप अपने गूगल अकाउंट के साथ, कोई एप्पल अकाउंट है या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट पे कोई अकाउंट है, हमने जीमेल पे अकाउंट बना रखा है तो हमने क्या किया इसको कंटिन्यू विद जीमेल। जैसे कंटिन्यू टू जीमेल करोगे ये आपकी ईमेल आईडी पूछेगा। मेरे सिस्टम पे 3 मेल आईडी लॉगिन है, मैंने अपने इस मेल आईडी के ऊपर क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करूंगा और कुछ सेकंड बाद में ये चैट जीपीटी का एक विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी की सर्विस को अपने सिस्टम के ऊपर अनेबल कर सकते हैं। अब आप लोग ये पूछे कि सर हमें इससे फायदा क्या है, हम इससे यूटिलाइज क्या कर सकते हैं? तो मैंने आपको अभी पूछा था कि भाई मैंने यहाँ पर ये पूछा कि भाई मेरे को तो विंडोज की शॉर्टकट की बताओ, ठीक है? KEY लिखना चाहिए था, वो गलत लिखा गया। देखो विंडोज की शॉर्टकट की अपने आप को एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, समझ में आई बात? तो हमने चैट जीपीटी का यूटिलाइजेशन समझा। बहुत से लोग इसको एग्जैक्टली यूज करते हैं अपने थीसिस में, अपनी कोई लर्निंग करने के लिए, अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, या फिर आप सपोज करो मेरे को एनुअल प्लान बनाना हो, एनुअल रिपोर्ट बनानी हो, ठीक है ना? तो उसके लिए भी मैं चैट जीपीटी के थ्रू अपनी हेल्प ले सकता हूँ। अब आप ये कहो कि भाई हमें तो ये हिंदी में चाहिए, कोई भी डेटा हमें क्या चाहिए यहाँ से, हिंदी में चाहिए। तो अगर कोई इंग्लिश में लिखा हुआ डेटा है उसको हिंदी में कैसे करो? देखो उसका भी तरीका बता रहा हूँ मैं आज आपको। बेसिकली ऑफिस के ऐसे टूल बता रहा हूँ जिसको यूटिलाइज करके आप बेटर तरीके से इनको उपयोग में ले सकते हो। देखिए मैंने यहाँ लिखा सीधा सीधा गूगल ट्रांसलेट, ठीक है? क्या ऑप्शन लिखा? गूगल ट्रांसलेट क्या काम आता है? किसी भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या काम में लेते हैं? गूगल ट्रांसलेट। अब आप देखो यहाँ हिंदी से इंग्लिश करना है या हिंदी इंग्लिश से हिंदी, तो आपको इसको उल्टा कर दो यूं कि भाई हमारे पास इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसको क्या करना चाह रहे हैं? हिंदी में करना चाह रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेट, ठीक है? अब आप ये कहेंगे कि भाई मुझे किस चीज का ट्रांसलेट करना है। यहाँ मैंने लिखा देखो, और यहाँ लिखता हूं एनुअल रिपोर्ट, ठीक है? एनुअल रिपोर्ट फॉर्मेट, ठीक है? ये मैंने लिख के सर्च किया। अब देखो ये इंग्लिश में आ रहा है, लेकिन अब ये आप ये सोचो कि ये एनुअल रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, हमें तो ये नहीं पता भाई। तो आपने क्या किया? कॉपी, उस सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया, और फिर कहाँ जाओगे? ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ इसको कहा कि भाई तू अंग्रेजी से हिंदी बता। क्या कह रहा है ये? वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप। अब देखो इस चीज को हम चैट जीपीटी के माध्यम से पढ़ते हैं। मैंने यहाँ चैट जीपीटी को ओपन किया और यहाँ सर्च बॉक्स में लिखा कि भाई मुझे तो एनुअल रिपोर्ट का फॉर्मेट चाहिए, तो आपने लिख के इसको सर्च किया। देखो ये सर्चिंग मोड पे चला जाएगा और ये बताएगा आपको कि भाई कवर पेज करना पड़ेगा, टेबल ऑफ कंटेंट बनानी पड़ेगी, ठीक है ना? चेयरमैन वगैरह का मैसेज देना पड़ेगा, ठीक है? फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, तब जाके आपका क्या बनेगा? एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट बनाते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो अपने काम का वो एनुअल रिपोर्ट बनाता है। अब आप कह रहे हो कि नहीं भाई मुझे तो अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, मुझे तो हिंदी में चाहिए ये प्रकरण, तो आपने इसको कॉपी करो यहाँ से और यहाँ चैट जीपीटी के ऊपर जाके और आप क्या लिख दो? हिंदी में लिखो। अब आपको जो ये बताएगा वो किस में बताएगा? हिंदी में बताएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि चैट जीपीटी एक ऐसी सर्विस है जिसके माध्यम से आप एग्जैक्टली अलग अलग जो पैटर्न में बने हुए मटेरियल्स होते हैं या एजुकेशन का ऐसा प्रारूप
जिसके माध्यम से आप बेसिकली अपने लिए एक फॉर्मेट बना के प्लान कर सकते हो। जैसे आप टेली पढ़ रहे हो, आप कहो साहब मेरे को तो टेली में GST समझना है, लिख दो ये बता देगा, समझ गए। कोई आपको मैथ का कोई सूत्र है वो नहीं समझ में आ रहा, वो भी